नमस्कार दोस्तों, बोल्सकाई में आपका स्वागत है। बटर और घी हमारे रोज के खान पान का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन सवाल ये भी है कि खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करना चाहिए, बटर या घी। अक्सर लोग सोचते हैं कि बटर या घी में सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या है जो उनकी सेहत को ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। तो आपको बता दें कि घी में फैट ज्यादा होता है, इसलिए वर्षों तक घी को मोटापे का कारण माना गया, लेकिन घी का सेवन सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। वहीं बटर में फैट कम होता है, इसलिए इसका सेवन करने से मोटापे का खतरा घी की बजाय कम माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी असमंजस में हैं कि क्या खाना ज्यादा बेहतर है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि बटर और घी में क्या खाएं। सबसे पहले जान लेते हैं घी के बारे में। घी में गुड़ फैट होते हैं जो कि त्वचा और बालों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। घी का सेवन पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद होता है। साथ ही घी खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। घी का सेवन करने से शरीर स्वस्थ और खूबसूरत बनता है। अब जान लेते हैं बटर के बारे में। बटर मिल्क क्रीम से बना होता है और इसमें नमक भी होता है, इसलिए ये ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। बटर में भी हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि काफी हल्के भी होते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाला बटर पानी में मिल्क फैट और मिल्क प्रोटीन डालकर बनाया जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नमक भी होता है। तो आइए अब दूर करते हैं वो कंफ्यूजन कि घी और बटर में से ज्यादा फायदेमंद क्या है। घी में अनप्रोसेस्ड फैट्स होते हैं, साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। घी में मौजूद विटामिन ए आंखों के लिए फायदेमंद होता है, साथ ही इसलिए घी खाना पूरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। बटर में ट्रांस फैट होते हैं और घी में ट्रांस फैट नहीं होते हैं। बटर के प्रति 100 ग्राम में 717 किलो कैलोरी होती है, वहीं घी के 100 ग्राम में 900 किलो कैलोरी होती है। घी में बटर की तुलना में कैलोरी ज्यादा होती है, लेकिन पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं, इसलिए घी का सेवन ज्यादा लाभकारी होता है। बेशक आप इसका इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आप अपनी हेल्थ कंडीशन और इसके फायदों के आधार पर इन दोनों का चयन कर सकते हैं। फिलहाल दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी या कोई और हेल्थ इश्यू है, तो डॉक्टर की सलाह पर इसका सेवन करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।